we have studied about exercise 2.3, उसके कुछ एग्जाम्स सॉल्व किए थे. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के बारे में और रेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, उससे पहले हम रेसिप्रोकल के बारे में जान लेते हैं. रेसिप्रोकल किसे कहते हैं कि कोई भी नंबर हो हमें उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल किसे कहते हैं. दो नंबर रूल्स और कि कोई भी नंबर हम लेते जीरो के अलावा, नॉन जीरो नंबर उस प्रोडक्ट विद ईच अदर इज वन. यानी सपोज हमने फाइव नंबर लिया, तो इस पर ऐसे पेपर फाइंड करना है. तो क्या कह रहा है यहाँ कि इसका ऐसा नंबर कैसे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे कि हमें आंसर क्या मिलेगा, वन. ओके, तो इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1/5 कैंसिल हो जाएंगे. वैसे ही अगर हमें 2/5 गिवन हो, इसका रेसिप्रोकल निकालना हो, उससे पहले ये कह रहे थे 1/5 का हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो वो 5 हो जाएगी. ओके, उल्टा अगर 2/5 को हमें पेपर पूछा जाए तो इसका इस ऐसा नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि हमें क्या आंसर मिले, 1. तो इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1. ओके, 5/2 कैंसिल, 2/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1. तो रेसिप्रोकल आपको समझ में आ गया व्यक्ति से कहते. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4. ओके, 3/4 को कैंसिल कर, आंसर क्या आएगा, 1. कोई भी नंबर आप ले सकते हो, पर क्या कंडीशन है, 0 नहीं होना चाहिए. अगर आप 0 ले लेते हो तो 0 का कोई भी नंबर कैसे मल्टीप्लीकेशन करो मतलब आंसर क्या मिलेगा. सपोज हमने 4/0 ऐसा ले लिया तो इसका आंसर भी 0 रहेगा. कोई भी नंबर कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो आंसर उसका 0 रहेगा. तो इसका ऐसे पेपर हमें नहीं मिल रहा है 0 का. क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था. अब हम फ्रैक्शन नंबर है उसका डिवीजन कैसे होता है वो देखते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन है 1/1/2. ओके, होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन है तो क्या करेंगे यहाँ पर. पहली कंडीशन ये है कि नंबर एक है वो एज इट इज. अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, डिवीजन की साइन है तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की साइन कर डालेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर डालेंगे. रेसिप्रोकल में अभी आपको पता है कि क्या होगा, 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/1 होगा और हम उसको सिर्फ 2 ही लिखेंगे. ओके, तो ये सब रहेगा. ऊपर डिनोमिनेटर है और नीचे न्यूमिनेटर है, तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर. ये 2/2, इसका आंसर क्या आएगा, 2. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 4/2, 1/5, ऐसा हमें गिवन है. एक वर्ड नंबर है और एक फ्रैक्शन है,
तो इसका हम डिवीजन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिवीजन का साइन वैसे ही रखते हैं, मेक फ्रैक्शन हमें अगर गिवन हो तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 10 और 10 + 1 यानी 11। अब हम इसको साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें रेसिप्रोकल, तो 5/11। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे। 5 × 4 = 20, 11 अगर हिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 11 × 11 + 9। ओके, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। सेम जैसे हम डिवीजन में करते थे वैसे ही करना है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया है। क्या है? डिवीजन की साइन चेंज करनी है, इसका रेसिप्रोकल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो आपको आता ही है, तो हम इस एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 2.4 उस पर जाते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में हमें यहाँ पर गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, हमें ये कुछ नंबर गिवन है उसका डिवीजन फाइंड करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, डिवीजन है तो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल में कि ये जो है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 4/3 ऐसा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 के टेबल में 12 आते हैं तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12, यानी क्या बचा है ऊपर 4 × 4 यानी फर्स्ट का आंसर क्या है 16। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 14, डिवीजन है तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा साइन चेंज, यानी 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 14 × 6 84/5। अब अगर इस मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्ट करना हो तो इसका सिंपली क्या कर रहा है डिवीजन 84/5 4, 6, 13। मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे रिमाइंडर आया है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वो साइड में इसका आंसर ये आ जाएगा 60/5। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ए डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल 3/7। ओके, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप 8/3 से मल्टीप्लिकेशन, यानी 8 × 3 = 24/7 यानी 7 × 3 = 21 + 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन 3/8। अब यहाँ पर देखो कैंसल आउट हो रहा है, 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो 4 × 8 यानी 4 कैंसल आउट, क्या बच रहा है 3/2 यानी 1/2। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 3। अब यहाँ पर देखो मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, तो मैंने आपको बताया था अगर मिक्स फ्रैक्शन हमें आए डिवीजन तो पहले साइन चेंज नहीं करना है, पहले हम क्या करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर डालेंगे। 3 × 6 + 1 यानी 7। अब इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। क्लियर? 3 × 9 = 7, 7 × 7 = 2
तो ये आंसर क्या दिया गया, आंसर भी सही हो, ये भी सही। लास्ट है फर्स्ट, ये भी मिक्स फ्रैक्शन क्यों है, तो पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोट करते हैं। 7 3 21 and 4 यानी 25, ओके। तो 5 डिवीजन हमारे डिवीजन 7 ऊपर एंड 25 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 5 5 25 एंड 7 by 5 ये आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो 5 5 + 2 यानी ए बी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 1 के सभी हिस्से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। नेक्स्ट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्होल फ्रैक्शन, सॉरी व्होल नंबर। हमें यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है और उसको हम क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। बाद में हमें ये बताना है कि जो हमें रेसिप्रोकल इसका मिला है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या व्होल नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, सिंपली डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर यानी 7/3, ओके। फर्स्ट का रेसिप्रोकल क्या मिला है, 7/3। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ओके। और वर्ड नंबर तो आपको पता ही है, वर्ड नंबर किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 up to infinity, ओके, ये सब हो जाते हैं होल नंबर। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, प्रॉपर किसको कहते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर ऐसा हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो, तो वो क्या हो जाएगी सभी प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा, ओके, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और वर्ड नंबर आपको पता है सभी पॉजिटिव इंटीजर हो उसमें 0 लेटर दे देना यानी वर्ड नंबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो उसका रेसिप्रोकल मिला है वो क्या है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। न्यूमिनेटर है सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कम है, वैसे ही यहां पर देखते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए, एट बाय फाइव, ओके। तो 8/5 सेम टू सेम इज ऑल्सो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है। सेम यहां पर है तो हम इससे पहला क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या है इसका, 7/9। अब यहाँ पर देखो न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिनेटर से तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ओके। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 7/12 विच इज ऑल्सो
प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है। अब यहाँ पर इसका एक्स प्रॉपर फाइंड करते हैं तो 8 हो जाएगा, इसका एक्स प्रॉपर 8 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, और 1 कॉमन नहीं डिनोमिनेटर में 9 दर्शे तो भी 9 लिखे तो भी चलता है। ओके, तो ये एक होल नंबर हो जाएगा, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 इज होल नंबर। सेम यहां पर भी इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो 11 इज आल्सो अ होल नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 के 1 और 2 सम सॉल्व हो रहे हैं, थर्ड और को देखते हैं, और सम है उसमें भी हमें फाइंड करने को कहा गया है डिवीजन। हमें यह रकम क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, इसमें 7/3 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/2। अब सिंपली कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे, तो 7 1 7 3 2 6। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो 6 1 6 + 1 यानी 7, तो ये भी आप देख सकते हो। सेकंड सम है 4/9 डिवाइडेड का मल्टीप्लीकेशन, और 1/5 का सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि 5 का 1/5, 4 1 4 और 9 5 45। यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन कर डालेंगे। ओके, सेम यहाँ पर 6 5 13 इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/7, तो 6 1 6 एंड 37 91। ओके, सभी सम इजी सॉल्व हो सकते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वीडियो को पॉज करके आगे ट्राई कर सकते हो और आंसर चेक कर सकते हो सही है गलत आपका। ओके, अब यहां पर देखो क्या गिवन है, हमें मिक्स फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 3 4 12 और प्लस 1 यानी 30 डिवीजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन यानी 1/3। ओके, डायरेक्टली मैंने कर डाला, तो 30/, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 31 30 3 3 9 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 9 9 + 4। क्लियर? सेम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन भी वन है, 2 3 6 + 1 यानी 7, और x से बढ़ा देते हैं 1/7/2 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन 1/4 7/8। यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर वाला का ऊपर से और नीचे का नीचे से। सेम 7 4 28 + 3 31 31 डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/7 31 7 7 7 49। ओके, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो प्रॉब्लम 3 था उसके सभी सम हमने सॉल्व कर डाले। अब हम नेक्स्ट है 4, उस पर जाते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही डिवीजन फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया 2/5 डिवीजन की क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, तो 2/1। ओके, 1 अगर आप मोड़ लिखो तो भी चलता, तो
यहाँ पर भी भोजपुरी आंसर आउट नहीं, तो 4 4 8 sorry 2 2 4 5 5 for this answer is given problem 4 by 9 division का वाली division and that's problem 3 by 2. अब यहाँ पर देखो कैंसल आउट हो रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है और 3 के टेबल में 9, 2 2 4 and 3 3 9. आंसर क्या है गाइस का? 2 by 3, पर 2 बचा है और नीचे 3 बचा है. ओके, इसमें से एक 2 कैंसिल हो गया और इसमें से एक 3 कैंसिल हो गया, तो बचा है 2 by 3. क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं हम. डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन 7 by 8. अब यहाँ पर भी देखो 7 7 कैंसल आउट हो रहा है, तो 3 by 8 इज द आंसर. ओके, काफी इजी भी है, इसको फाइंड कर सकते हो. अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन क्यों आया था? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मिक्स को इम्प्रॉपर पर कन्वर्ट कर डालेंगे. 3 2 6 + 1 = 7. अब इसको हमें रेसिप्रोकल करना है, तो 5 by 3. ओके, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 7 5 35 एंड ये 9 9. मेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 9 का टेबल आपको आता होगा, 9 6 9 4 कितने होते हैं 36, तो वो बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 3 27 27 में कितने अंदर आएंगे 8. ओके, अगर डाउट हो आपको जैसे डिवीजन का करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 3 27. अब इसका सब्ट्रैक्शन, ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट टर्म है सेम, यहां पर भी मिक्स का इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3 2 6 + 1 यानी 7, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन एंड 3 by 8. यहाँ पर देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर डालेंगे. 7 3 21 एंड 2 8 60 61 60 प्लस 5, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सम है 2 by 5. आओ यहाँ पर इस साइड पर हमें मिक्स फ्रैक्शन क्यों होना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 2 1 2 + 1 यानी 3. आओ इसका रेसिपी को फाइंड करेंगे, रेसिपी को निकालेंगे, तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 2 2 4 एंड 5 3 15. क्लियर? नेक्स्ट समय यहाँ पर दोनों मिक्स फ्रैक्शन में क्यों, दोनों को हम पहले क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 5 3 15 + 1 यानी 60, डिवीजन 3 1 3 + 2 यानी 5, 6 5 5 डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 3 by 5. अब सिंपली यहाँ पर भी कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 48 by 25. अगर एक सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा 25 1 25 23 एड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, क्या हो तो डिवीजन. ओके, 5 2 10 + 1 यानी 11, और यहाँ पर डिवीजन हम एजी पीस रखेंगे, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 5 1 5 + 1 यानी 6, 11 by 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by 6, 5 5 कैंसिल हो जाएगी, तो 11 by 6, तो ये बच जाएगा
इसको हम एक्सप्रेशन अगर रख लेंगे 6 + 6 + 5 तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.4 का सभी सम सॉल्व कर डाले, तो मैं आपको ऐसे कुछ सम है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप घर से कर सकते हो। ये जो 5 सम है वो आप घर पे कर सकते हो और हो सके तो इसका आंसर आप होमवर्क बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो एडिट कर नंबर में सही है या गलत। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन नंबर जो हमारे इस चैप्टर में जो जितने भी फ्रैक्शन के बारे में एक्सरसाइज की वो सभी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन के बारे में डेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके okay?